तो अभी तो बर्फ पड़ रही है और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हीटर चल रहा है और ये हीटर में आराम से बैठा रहेगा। और 8 एलिफेंट है और ये 2-3 तो काफी ज्यादा छोटे हैं, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये भी छोटा है। अपने जू में इतने ज्यादा विजिटर्स हो चुके हैं कि सारे के सारे रास्ते बिल्कुल फुल चल रहे हैं और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो खाली पड़ी हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी फुल है, सारे हैबिटेट के रास्ते भी फुल है, लाइनें लगी हुई हैं, इधर भी सारे रास्तों में विजिटर्स घूम रहे हैं और कुछ हैबिटेट अभी खाली पड़े हुए हैं। मतलब कुछ एनिमल्स मैंने ट्रांसफ़र किए थे तो आज जो है उन एनिमल्स को वापस लेके आना है, मतलब कुछ ट्रेड सेंटर में है, कुछ को परचेज करना है। और यहाँ पे ये भालू जो है लड़ते ही रहते हैं आपस में और इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको तो मैंने छोड़ रखा है ऐसे के ऐसे ही कि लड़ते रहो। और लास्ट टाइम जहाँ पे मैंने एनिमल्स की फ़ाइट कराई थी, यहाँ पे मैंने नया हैबिटेट बना दिया है और ये हैबिटेट मैंने थोड़ा नीचे बनाया है और इसका रास्ता यहाँ ऊपर से है और ये हैबिटेट नीचे है तो ऊपर से जो है आराम से दिख सकता है। मतलब इस हैबिटेट में एनिमल कहीं पे भी हो इजीली जो है कहीं से भी विजिटर्स देख लेंगे, मतलब ऊपर से। और वैसे यहाँ से बीच से रास्ता ये शायद ख़राब हो गया है, थोड़ा सा ये रास्ता ठीक करना है अभी। और ये वाला हैबिटेट बनाया मैंने लायंस के लिए, यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल एक ही लायन है ये घूम रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने इसका पानी के लिए बना दिया है। और नीचे इसमें काफ़ी सारी जगह है और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली जगह है ये अपने विजिटर्स के लिए, विजिटर्स यहाँ पे आके खड़े होकर देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है ये लायंस की केव है और उसमें जो है काफ़ी सारी बेडिंग लगी हुई हैं। तो ये केव जो है 24 लायंस के लिए बनी हुई है, इसमें 24 लायंस इजीली रह सकते हैं। फ़िलहाल एक ही है, अभी और परचेज़ करने हैं और परचेज़ करने के लिए अभी कंजर्वेशन क्रेडिट नहीं है, क्योंकि जितने भी कंजर्वेशन क्रेडिट थे वो मैंने एक नया एनिमल परचेज़ करने में लगा दिया है। और वो वाला एनिमल जो है पहली बार अपनी जू में आने वाला है और अभी तक उसका हैबिटेट भी रेडी नहीं है। और ये जो लायन का हैबिटेट था पहले वाला, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं उसे दे दूँ। और वो वाला जो एनिमल है वो है गोरिल्ला और ये मैंने परचेज कर लिया है यहाँ पे और ये अभी अपने ट्रेड सेंटर में है। इसके लिए हैबिटेट बनाना है और इसे यहाँ पे भेज देना है। जो लायन का हैबिटेट था वो ये वाला था और इसमें भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ। इसमें जो है यहाँ पे ये केव थी और इधर से एक रास्ता था इस साइड से केव के अंदर जाने के लिए, जहाँ से अपने विजिटर्स जाके देख सकते थे, वो मैंने हटा दिया है और यहाँ से ये पूरी पूरी केव जो है बड़ी बना दी है। और अभी फ़िलहाल इसके अंदर काफ़ी अंधेरा है, एक बार मैं लाइट ऑन कर लूँ, ये लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें अभी काम चल रहा है और ये वाला मैं सोच रहा हूँ कि गोरिल्ला को दे दूँ, ये गोरिल्ला के लिए ठीक रहेगा। बस में मुझे थोड़े चेंजेस ये करने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो पानी का है ये थोड़ा सा और गहरा करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है वाइड करना पड़ेगा, नहीं तो गोरिल्ला यहाँ से जंप मार के बाहर निकल जाएगा। तो अभी इसे रेडी करना स्टार्ट करता हूँ। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे चिंपैंजी के हैबिटेट में भी चेंजेस किए हैं। चिंपैंजी के हैबिटेट में मैंने यहाँ पे ये ट्री हाउस टाइप का लगा दिया, क्लाइंबिंग वाला, यहाँ से चिंपैंजी चढ़ के ऊपर जाके यहाँ बैठ सकता है। और एक ये दूसरे वाला है, इस पर चढ़ना थोड़ा ईजी है और इसके अंदर यहाँ पे जाने की जगह भी है और इससे ऊपर जाके यहाँ पे ये एक दूसरा ट्री हाउस है और यहाँ पे इसका ये म्यूजिकल कीबोर्ड वगैरह रखा हुआ है। और वैसे मैं यहाँ पे ना एक बेडिंग भी लगा ही देता हूँ, वैसे एक बेडिंग लगी हुई है ऊपर ये रही यहाँ पे, तो ये वाली बेडिंग ठीक है। और यहाँ से जो है ये रहा रास्ता आने का, ये इससे झूल झूल के आ सकता है। तो चिंपैंजी के हैबिटेट में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं और चिंपैंजी की कैटेगरी में ही आता है गोरिल्ला भी। और इसके अलावा एक और आता है ओरेंगुटून, ओरेंगुटून अभी मिल नहीं रहा, तो जैसे ही ओरेंगुटून मिलेगा मैं वही परचेज कर लूँगा। और बोनोबो तो अपने पास है ही और फिलहाल मैं बोनोबो को एक बार देख भी लूँ, मैंने बोनोबो को देखा नहीं है एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम अपनी वेट उसे लेके गई हुई थी, उसके बाद वो पता नहीं वापस आया है या नहीं आया है। ये वाला हैबिटेट है बोनोबो का और इसमें तो अभी जापानीज मकैक रख दिए थे। अच्छा, बोनोबो तो रेस्ट इन पीस हो गया था ना, ये जापानीज मकैक हैं। तो ये बंदरों के हैबिटेट तो सबके सेम ही होते हैं। और इसके साथ वाले मैंने यहाँ पे ओकापी रखा हुआ था और ये ओकापी जो है जिराफ की तरह लगता है देखने में, मतलब छोटा जिराफ हो जैसे। और ऊपर अपना जो हैबिटेट था ये जिराफ वाला, इसमें ही मैंने चेंजेस किए हैं, इसका रास्ता मैंने जो है यहाँ से हटा दिया है इधर की साइड से और इसका रास्ता यहाँ से ओकापी वाले हैबिटेट के साथ से है, यहाँ से ऊपर चला जाता है। और जिराफ तो इसमें वैसे अभी एक भी नहीं होगा, हाँ जिराफ का खाली है। और अभी 300 कंजर्वेशन क्रेडिट हो चुके हैं तो एक बार देख लूँ क्या होता है, जिराफ मिल ही जाए। जिराफ मिल तो रहा है बट 452 कंजर्वेशन क्रेडिट का मिल रहा है, अभी कंजर्वेशन क्रेडिट थोड़े से बढ़ देता हूँ क्योंकि जो मैंने गोरिल्ला परचेज किया है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है और उसमें जो है सारे के सारे कंजर्वेशन क्रेडिट खर्च हो गए। फिलहाल मैं इसे हैबिटेट को ठीक करता हूँ गोरिल्ला के हिसाब से और एक बार देख भी लूँ गोरिल्ला की रिक्वायरमेंट क्या क्या है हैबिटेट की। तो ये है गोरिल्ला का और गोरिल्ला की रिक्वायरमेंट है 780 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, इतना तो है ये, 40 मीटर स्क्वायर की क्लाइंबिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके लिए मैं वो ट्री हाउस टाइप का से लगा दूंगा, वाटर रिक्वायरमेंट है नहीं और डीप वाटर रिक्वायरमेंट भी कुछ नहीं है। बट यहाँ पे जो फेंसिंग है, फेंसिंग में वाटर चाहिए 6 मीटर वाइड का और 2 मीटर डीप का, ताकि गोरिल्ला को जो है रोका जा सके भागने से।
और ये 6 मीटर वाइड तो नहीं है, पहले इसका जो है पानी रिमूव कर लेता हूँ और इसे 6 मीटर वाइड बनाता हूँ। सारा पानी तो रिमूव कर दिया और अब इसे 6 मीटर वाइड करने के लिए मेरे को यहाँ से इसे डिग करना पड़ेगा और 6 मीटर वाइड तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दो मीटर डीप तो है इजीली है, बस इसको थोड़ा वाइड करना है। तो ये मैंने थोड़ा वाइड तो कर दिया है, अब 6 मीटर हुआ है नहीं हुआ वो चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा ट्री है हवा में झूल रहा है, इसको भी हटा देता हूँ और ये थोड़ा सा इसे और फ्लैट करना पड़ेगा मुझे। बस ये हो गया क्लियर यहाँ से और अब इसमें पानी भर देता हूँ। वैसे बारिश भी हो रही है तो इसमें गेट मुझे ऐसा लगाना पड़ा है ताकि अपने कीपर वगैरह यहाँ पर आ सकें और अंदर जो है एनिमल्स को चेक कर सकें, उन्हें खाना दे सकें। और इसको अभी इस रास्ते से कनेक्ट कर देता हूँ। इस रास्ते से कनेक्ट करने के लिए ये कीपर ओनली वाला रास्ता लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसका रास्ता तो बना दिया, उसका रास्ता थोड़ा सा मुझे ऊपर ला के फिर नीचे लेके आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा स्लोप है और यहाँ पे रास्ता टेढ़ा हो रहा था, तो उसको सीधा करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। बाकी इसमें पानी भर देता हूँ और गोरिल्ला को यहाँ बुला लेता हूँ और जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो तो मैं करता ही रहूँगा इसमें। और पानी इसमें पूरा नहीं आ रहा, ये कहीं पर ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों आ रहा है? एक मिनट, कहीं पे इसमें इश्यू है। तो यहाँ पे पानी जो है ऊपर तक इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ये जो है ब्रिज टाइप का सा बन गया था, जबकि मुझे ब्रिज नहीं बनाना था इस रास्ते के नीचे, तो मुझे जो है पूरा प्रॉपर रखना था और पानी इस ब्रिज से ऊपर आ ही नहीं पा रहा था, इसलिए जो है पानी का लेवल कम था। अब मैंने इसको जो है सही कर दिया तो यहाँ पर पानी जो है काफ़ी ऊपर तक आ गया, इवन पानी यहाँ अंदर तक भी चला गया। इधर भी जो है पानी भरता हूँ ऊपर तक, अब क्योंकि ऊपर तक पानी ज़्यादा ज़रूरी है, 6 मीटर डीप चाहिए। तो 6 मीटर डीप ऐसी होगा और इधर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? तो ये भी कह दिया ठीक। और यहाँ पे प्रॉपर पानी आ गया है और काफ़ी सारा पानी हो गया इधर से, तो जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया है। और वैसे पता नहीं गोरिल्ला को पानी पसंद है या नहीं है, एक बार देख लेंगे। वैसे पानी तो जो है सब एनिमल्स को पसंद होता है और इसमें पहले लायंस थे तो लायंस यहाँ पानी में काफ़ी इन्जॉय करते थे और लायंस से मुझे याद आया कि मुझे अभी लायंस भी परचेज करने हैं। पहले मैं गोरिल्ला को यहाँ भेज दूँ और गोरिल्ला के हिसाब से यहाँ पर फूटर वगैरह चेंज कर दूँगा जो गोरिल्ला को चाहिए होंगी, और गोरिल्ला को यहाँ बुला लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से वो जो है अपने ट्रेड सेंटर में है। इसे बुला लेते हैं यहाँ पे इस वाले हैबिटेट के अंदर और अभी एक बार गोरिल्ला को यहाँ पे आने देता हूँ, उसके बाद देख लेंगे यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं। वैसे ये सारे के सारे एनरिचमेंट के आइटम जो है लाइन के हिसाब से हैं और 4 तक चल जाएंगे गोरिल्ला के लिए, और वैसे अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो उसको हटा दूँगा। ये वाली ट्रे तो नहीं चलेंगी, फूड ट्रे तो एक बार गोरिल्ला आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, और गोरिल्ला का आने का वेट कर लेते हैं। और वैसे यहाँ पे एक छोटी सी केव भी है और एक काम करता हूँ, मैं गोरिल्ला के लिए एक ट्री हाउस को भी लगा ही देता हूँ। तो ये वाला है, एक लगा दिया यहाँ पे। और इधर क्या है, पानी में कुछ आके गिरा है यहाँ पे इसमें से। ये क्या था? तो ये बॉक्स है जिससे गोरिल्ला वगैरह खेलते हैं, ये साथ में ही आया है इसके। और इसमें ये सेम टू सेम है, एक ये म्यूज़िकल कीबोर्ड रखा हुआ है गोरिल्ला के लिए और यहाँ पर शेल्टर है। और अभी गोरिल्ला वैसे आने वाला ही होगा तो थोड़ी देर में देखते हैं आ जाएगा। अभी वैसे पानी ही अभी से ही गंदा होने लग गया, अभी तो मैंने जस्ट लगाया ही है। तो ये गोरिल्ला यहाँ पे आ गया है, अब बस बॉक्स खुलने वाला है और पहली बार देखते हैं कि गोरिल्ला है कितना बड़ा एक्चुअल में इस गेम में। ये तो बहुत छोटा है, मेरे को लगा था काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, बट हाँ इसका मुँह थोड़ा सा बड़ा है। वैसे ये है तो चिंपैंजी की तरह बट थोड़ा फेस से डिफरेंट लग रहा है, और आते ही ये बॉल से और बॉक्स वगैरह से खेलने लग गया। ऐसे घास काफ़ी बड़ी है, इस घास को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और एक बार देख भी लेता हूँ उसको क्या चाहिए। इसके आते ही जो है स्नो पड़ना शुरू हो गई और इसको रिक्वायरमेंट है ग्रास, इसको लॉन्ग ज़्यादा चाहिए नहीं शॉर्ट ही चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्ट ग्रास कर देता हूँ। बाकी सब चीज़ें तो सारी ठीक हैं, सॉइल भी ठीक है, रॉक भी ठीक है, सैंड भी ठीक है, और स्नो तो से चाहिए नहीं, और स्नो वैसे यहाँ पे हो रही है तो इसलिए स्नो का कुछ नहीं कर सकते। और ये भाग के गया कहाँ पे है, ये इस पे गया है ट्री हाउस पे, ये ऊपर जाके यहाँ पे बैठ भी गया। तो इसने आते ही ढूंढ लिया कि जो है असली ठिकाना कहाँ पे है, कहाँ जाके बैठना है। और इसको ठंड लग रही है क्या? हाँ लग तो ऐसे ही रहा है जैसे इसको ठंड लग रही हो। एक मिनट जू पीडिया ओपन करता हूँ, उसको देखता हूँ कितना टेम्परेचर चाहिए। इसको टेम्परेचर चाहिए 8 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, और अभी तो स्नो पड़ रही है तो एक हीटर इसके लिए लगाना पड़ेगा। एक हीटर यहाँ पे रख देता हूँ, उसका टेम्परेचर सेट कर देता हूँ 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, ऑटोमेटिकली हो ही रखा है। और ये -2 था तो अब ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये कहाँ रहा था, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह कर रहा था एकदम। और अब ये ठीक हो गया, अब इसको इतनी ठंड लगी। और वैसे ना इसके यहाँ बॉडी पर कुछ निशान लगे हुए हैं, ये शायद आपस में लड़ा होगा। और अभी मैंने परचेज़ किया है तो अपनी वेट जो है इसको देख लेगी और उसको ठीक कर देगी।
तो अभी तो बर्फ़ पड़ रही है और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हीटर चल रहा है और ये हीटर में आराम से बैठा रहेगा और इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है ये। और जब शायद ये स्नो पड़ना रुक जाएगी तब ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ठीक है, इसको यहाँ बैठा रहने देते हैं और अभी टेम्परेचर भी देख ही लूँ मैं एक बार कितना हो गया इसके हैबिटेट का। 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, बट ये अभी भी क्यों ऐसे कर रहा है? तो कुछ और भी चाहिए क्या? ऐसे कुछ और तो शायद नहीं है, क्योंकि मैंने चिंपैंजी रखा है उसको ही मैंने इतने आइटम दिए हैं और यहाँ लायंस के हैबिटेट में सिर्फ एक ही लायन है अभी, तो एक फीमेल लायन और चाहिए। और जिराफ अब मिल रहा है और कंजेशन क्रेडिट वैसे हो गए हैं, बट पहले लायन देख लेता हूँ मैं। अभी लायन मिल ही नहीं रहे हैं तो एक काम करता हूँ, जिराफ ही ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है क्योंकि जिराफ वाला हैबिटेट खाली पड़ा हुआ है। और जिराफ दोनों ही मिल रहे हैं, फीमेल भी मिल रही है और मेल भी मिल रहा है, बट अभी सिर्फ मैं कोई एक ही परचेज़ कर सकता हूँ और वैसे फ़ीमेल तो ईजिली मिल जाती है, मेल शायद मुश्किल मिलता है। एक काम करता हूँ मेल ही ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। इसको भेजता हूँ जराफ वाले हैबिटेट में और ये हैबिटेट है यहाँ पे। और इस हैबिटेट में भेजना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस हैबिटेट के लिए स्पेशल विजिटर्स यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं विजिटर्स के लिए, मतलब खाने पीने की यहाँ शॉप्स लगा रखी हैं, ये अपने वर्कर खाली खड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक अगर एनिमल होगा तो अपने विजिटर्स यहाँ पर आके एन्जॉय कर पाएंगे। अब इसको जो है भेज तो दिया है, थोड़ी देर में ही आ जाएगा और बारिश फिर से शुरू होने लग गई है। और अपने एलिफेंट वाले हैबिटेट में काफ़ी सारे एलिफेंट्स हो चुके हैं, ये इंडियन एलिफेंट वाला हैबिटेट है और यहाँ पे एलिफेंट्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। अब एक तो ये है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और इधर 8, और 8 एलिफेंट है और ये 2-3 तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये भी छोटा है और ये वाला भी छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये तो काफ़ी बड़े वाला एलिफेंट है। और एलिफेंट के हैबिटेट में खाना वैसे डाल के तो गया होगा कीपर, अभी नहीं डाल के गया, कीपर को बोलता हूँ यहाँ पर खाना डालने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हो रही है, तो इस हैबिटेट में एक बार जो है वेट को भी बुला लेता हूँ, कीपर को बुला लेता हूँ, मैकेनिक को भी बुला लेता हूँ, तो सारे आके इस वाले में चेक कर लेंगे। और ये अलर्ट क्या आ रहा है, अलर्ट में ये भालू जो है फिर से बीमार है, यहाँ वेट को बुला लेता हूँ। और अभी अलर्ट क्या आ रहा है, इनकी फूड क्वालिटी का आ रहा है, तो इनकी फूड क्वालिटी बढ़ा देता हूँ, अभी ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की कर देता हूँ, तो थोड़ा बेटर फूड मेरे मिलना शुरू हो जाएगा। और इस वाले हैबिटेट में तो ग्रिजली बेयर्स हैं और ये ग्रिजली बेयर्स काफ़ी सही हैं, ये बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते, और जो हिमालयन बेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ये एक बार भी बीमार नहीं हुए हैं, तो इनकी एक बार भी कंप्लेंट नहीं आई। और वैसे तो हो सकता है हिमालयन बेयर के हैबिटेट में जो है ना काफ़ी सारे भालू हैं, वहाँ पर एक टाइम पर 35 से ज़्यादा भालू थे, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है 7-8 भालू ही हैं, तो इसलिए शायद ये यहाँ पे ठीक से रह पा रहे हैं। और इधर की साइड तो ये बहुत कम आते हैं इन वाले शेल्टर्स में रुकने के लिए, यहाँ पे है नहीं, और ये है अभी यहीं पे ही सो रहा है बाहर, और इन्होंने यहाँ पे हग रखा है, तो एक बार जो है बुलाना पड़ेगा अपने कीपर वगैरह को यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए। और ये साइबेरियन टाइगर वाला हैबिटेट भी देख लेता हूँ, इसमें एक साइबेरियन टाइगर है और उसका दूसरा साइबेरियन टाइगर मिल ही नहीं रहा, और ये तो यहाँ पर सोया पड़ा है पत्थर के ऊपर। और इसका खाना यहाँ पे कीपर डाल गया होगा, वैसे इसका भी नहीं डाल के गया, क्या कर रहे हैं ये, इनको जो है खुद से खाना डाल के नहीं जा रहे। और इसके एक बार फूड की क्वालिटी भी देख लेता हूँ, और ये हंगरी भी है वैसे, अभी इसके फूड की क्वालिटी तो ग्रेड 1 है और ग्रेड 1 का अवेलेबल है, ग्रेड 2 का अवेलेबल ही नहीं है इसके लिए, बट मैंने बोल दिया है एक बार कीपर को तो यहाँ पर आके एटलीस्ट खाना तो डाल देगा, और ये फ़िलहाल यहाँ पर आराम से सो रहा है, तो इसको सोने देते हैं, अभी खाना आ जाएगा फिर ये उठ के खा लेगा। और बाकी ये स्नो लेपर्ड वाला हैबिटेट देख लेता हूँ, स्नो लेपर्ड वाले हैबिटेट में यहाँ पे स्नो लेपर्ड एक भी नहीं है, एक स्नो लेपर्ड तो मैं वहाँ पे लेके गया था फाइट में, वो तो जो है वहाँ पे रेस्ट इन पीस हो गया था, उसके अलावा एक स्नो लेपर्ड और था, अब वो भी शायद रेस्ट इन पीस हो गया अकेले, शायद पहले 2 थे तो सही से चल रहे थे। और यहाँ पर जो है ये अपने कैमल्स तो जो है काफ़ी सारे हो गए हैं, और इनका कोई इशू नहीं है, ना मेरे को इनको देखना पड़ता ना कुछ करना पड़ता, ये अपने आप ही ठीक से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनका खाना यहाँ पे टाइम से डल जाता है और पानी का ये इंतज़ाम कर ही रखा है, तो यहाँ पे ये जो है सही से इनकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। और अभी मैं देखूँ कितने हो गए, तो एक बार हैबिटेट में देख लेता हूँ कितने हैं, अभी 10 कैमल हैं यहाँ पे, और इनके हैबिटेट तो बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम फ्री है। और एक एक गारवा और आ गया, ये वेट लेके गई थी, ये आपस में लड़ेंगे इसलिए यहाँ पर निशान हो रखा है। तो एलिफेंट का हैबिटेट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये कैमल का भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, और जो है उसके अलावा भालुओं का तो दोनों का काफ़ी बड़ा है, मतलब हिमालयन बेयर का भी और ग्रिजली बेयर का भी। और ये मैंने जो है यहाँ पे लायन का भी काफ़ी बड़ा बना दिया है, 24 लायंस की कैपेसिटी है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी जो है 24 लायंस हो जाएंगे, तो अपने पास जो है काफ़ी सारे लायंस हो जाएंगे। और वैसे जो इसका पुराने वाला हैबिटेट था लायन का, उसमें भी जो है एक टाइम पर जो है 15-16 लायंस हो गए थे, बट उसके बाद सारे के सारे रेस्ट इन पीस हो गए,
और अब नया वाला तो जो है प्रॉपरली लाइन के हिसाब से बनाया हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और वैसे यहाँ पे ये बाहर आ चुका है गोरिल्ला, अब मौसम नॉर्मल हो गया तो इसलिए बाहर घूम रहा है। और वैसे तो ठीक लग रहा है हैबिटेट मुझे, और ये केव भी ठीक है, बट थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, तो अंधेरे के लिए यहाँ पे लाइटें वगैरह वैसे मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटें लगा देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। और लाइट्स मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली ठीक रहती हैं इसकी केव में, यहाँ पे जो है सही रोशनी रहेगी। और ज़्यादा रोशनी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनिमल को इतनी रोशनी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इतना सफिशेंट है। तो अब यहाँ पर जो है अंदर भी रोशनी हो गई, वैसे तो जो है इतना अंधेरा था, दिन में भी दिख नहीं रहा था, वो तो मैंने अपने कैमरे की लाइट ऑन की हुई थी। अगर मैं कैमरे की लाइट ऑफ कर दूँ तो कितना ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, और ये मैंने ऑन कर दी तो अब ये इंफ्रारेड कैमरे की वजह से दिख रहा है, अभी बंद है और अभी ऑन है। और अब तो लाइट लग गई तो यहाँ पे ठीक रहेगा, और वैसे तो जो है अभी इसका कोई इशू नहीं आ रहा, और कोई इशू आएगा तो अलर्ट आ जाएगा। अभी तो ये सारे हैबिटेट में घूम घूम के देख रहा है, और पानी भी साफ ही है। इस पानी के लिए मुझे एक फ़िल्ट्रेशन का और लगाना पड़ेगा, वो फ़िल्ट्रेशन का मैं यहाँ पर ऊपर लगा दूंगा, इधर वैसे मैंने जगह बना रखी है, ये लगा हुआ है यहाँ फ़िल्ट्रेशन का, तो ये फ़िल्ट्रेशन का तो है ही, इससे ही पानी क्लीन हो जाएगा वो वाला। और ये वाला पानी भी क्लीन हो ही रहा है, बट अभी तो फ़िलहाल इसमें मिट्टी पड़ी हुई है, तो थोड़ी देर में शायद क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अब इस पर जो है लोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है डिस्प्ले में, ये इसकी कोई रीडिंग वगैरह लिखी आ रही है। बाकी अपनी शॉप्स वगैरह सब ठीक चल रही हैं, अब जो है कुछ नई शॉप्स भी आई हैं और नए हैबिटेट भी आए हैं, वही मैं लगाने वाला हूँ। और वैसे जो है यहाँ पर जगह खाली है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे जो मैंने ये जगह बना रखी है जहाँ पे अपने स्टाफ के लिए फैसिलिटी लगाई हुई थी, इसको यहाँ से हटा दूँ और इस वाले हैबिटेट को बिठा दूँ, और इसको यहाँ से जो प्लेन जगह है इन तीनों को मिला के थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाऊँ, जैसे मैं लायन का हैबिटेट लेके गया हूँ। और यहाँ पे सारे में जो है अलग से एक एरिया बना दूँ स्नैक्स वगैरह के लिए, छिपकलियों के लिए, मतलब जो एग्जिबिट वाले एनिमल्स हैं उनके लिए। और ये जो ये वाला है इसको मैं सोच रहा हूँ किसी छोटे एनिमल को दे दूँ, किसी छोटे एनिमल के लिए भी इसको बना सकता हूँ। यहाँ पे इधर ग्लास की फेंसिस लगा दूंगा और इसको अंदर से सही कर दूंगा, मतलब दीवारें बंद कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे भी एक छोटा एनिमल कोई रह सकता है। बाकी मैं अभी ओरंगटून परचेज़ करने की सोच रहा हूँ, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। ये है ओरंगटून और अभी अवेलेबल नहीं है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ ओरंगटून यहाँ जो पीढ़िया में। तो ये रहा ओरंगटून, ऐसा होता है। और इसके लिए भी एक अच्छा सा मैं हैबिटेट बनाने वाला हूँ, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब ये काफ़ी कम मिलता है, और अभी ये एनिमल मार्केट में आया नहीं, एक बार पहले आया था, उस टाइम मेरे पास कंजर्वेशन क्रेडिट थे नहीं, और अब जब आ जाएगा तो मैं इसको परचेज़ कर लूँगा। मैं इसी के लिए कंजेशन क्रेडिट अब जो है सेव कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने एक बहुत सही हैबिटेट पहले से सोच रखा है, तो वो हैबिटेट बनाऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हैबिटेट होने वाला है। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।